और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की। और इस वक्त की अगली खबर देहरादून से हमें मिल रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट हर 6 माह में कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की है। तो प्रगति रिपोर्ट की जांच उच्च न्यायालय स्वयं करेगा, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से। मामले की अगली सुनवाई आगामी 27 मार्च को होगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट हर 6 माह में कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की है। प्रगति रिपोर्ट की जांच उच्च न्यायालय स्वयं करेगा, ये कहना है कोर्ट का। मामले की अगली सुनवाई आगामी 27 मार्च को होगी। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट हर 6 माह में कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की है। प्रगति रिपोर्ट की जांच उच्च न्यायालय स्वयं करेगा, ये कहना है कोर्ट का। मामले की अगली सुनवाई आगामी 27 मार्च को होगी। तो देहरादून से ये खबर, जहां नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नैनीताल से संवाददाता तेज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेज सिंह, नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए हैं राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? तेरह जनवरी 2018 से सरकार को ये निर्देश है कि राज्य में चली आ रही 157 साल पुरानी जो राज्य की पुलिस व्यवस्था थी, वो 6 माह के अंदर अपराधों की विवेचना का काम सिविल पुलिस को सौंप दिया जाए। लेकिन 6 माह से राज्य को राज्य में खानों की संख्या और सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए इंवेस्टिगेशन में कहा गया था। तेज सिंह, आपसे साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, आप जिस प्रकार से हर 6 माह में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की पीठ ने ये याचिका पर सुनवाई की, अब अगली सुनवाई जो है 27 मार्च को निर्धारित की गई है, क्या कुछ अगली सुनवाई तक हो सकता है इस मामले को लेकर? राज्य पुलिस जो है वो पुलिस कोर्ट में अपनी दाखिल करेगी, कितने केस आए हैं, कितने क्या हुआ है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, राजस्व पुलिस जो है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की जो पुलिस जॉब था उसको बिल्कुल भी नहीं दे पा रही थी। इस वजह से कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा कि राजस्व पुलिस जो है अब सर्जिकल किट को दिया जाए। बिल्कुल तेज सिंह, जिस प्रकार से जो है लगातार इस मामले को लेकर पहले भी सुनवाई चली है, आगामी 27 मार्च को जो है अगली सुनवाई निर्धारित की गई है, इसके अलावा और भी अन्य कोई दिशा निर्देश हैं? रिपोर्ट जो हर माह में कोर्ट में पेश करने को कहा गया है, इसके अलावा भी कोई दिशा निर्देश जो खास तौर से कोर्ट की तरफ से बिंदु केंद्रित किए गए हों? कि राजस्व में एक समान कानून व्यवस्था हो जो जो नागरिकों को मिलना चाहिए, सरकार से इस आदेश का पालन होता है। और कोर्ट ने कहा कि अंगीकार से मत नहीं होती, इसलिए राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। अगर राजस्व पुलिस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, तो बिल्कुल देहरादून से यह खबर आपको बता रहे थे। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की जो प्रक्रिया है उसकी प्रगति की रिपोर्ट को लेकर कहा गया है कि हर 6 माह में कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश करनी होगी। और इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख 27 मार्च रखी गई है।